नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। मैं हूं समरजीत सिंह। इसराइल और हमास के बीच बीते 2 सप्ताह से ज़्यादा समय से जंग जारी है और अब वक्त के साथ साथ जंग के समूचे मध्य पूर्व एशिया में फैलने की आशंका बढ़ रही है। फिलहाल इसराइल और हमास के बीच ही सिमटी दिख रही इस जंग में जल्द ही हिजबुल्ला की एंट्री के आसार नजर आने लगे हैं। हिजबुल्ला यानी लेबनान का ऐसा संगठन जो मजबूत सैन्य क्षमता रखता है और इसराइल को लगातार चुनौती भी दे रहा है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि अगर इजरायली फौज गाजा में घुसी तो उसे लेबनान की सरहद से हिजबुल्ला के हमलों का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही में दी गई हिजबुल्ला की चुनौती के बाद इजरायल ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला भी किया था। अब ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हिजबुल्ला है कौन। सो आइए कुछ तफसील से जानते हैं हिजबुल्ला के बारे में। अगर हिजबुल्ला शब्द की बात करें तो इसका मतलब होता है पार्टी ऑफ गॉड, यानी अल्लाह का गुट। हिजबुल्ला लेबनान का एक सिया मुस्लिम राजनीतिक दल होने के साथ साथ अर्धसैनिक संगठन भी है। हालांकि लेबनान में यह सिर्फ राजनीतिक दल के तौर पर काम करता है। आखिर कैसे हुई थी हिजबुल्ला की शुरुआत? हिजबुल्ला की शुरुआत की अगर बात करें तो हमें यह जानने के लिए जरा पीछे मुड़कर देखना होगा। यह जानकारी बेहद ज़रूरी है कि साल 1943 तक लेबनान में फ्रांस की हुकूमत थी और उनका असर ख़त्म हुआ तो एक समझौते के तहत लेबनान की सत्ता देश के ही कई धार्मिक गुटों में बट गई। 1943 के समझौते के तहत कुछ अहम शर्तें रखी गई थी। पहली शर्त थी सुन्नी मुसलमान ही देश का प्रधानमंत्री यानी वजीर आजम बनेगा। दूसरी शर्त, ईसाई शख्स को ही राष्ट्रपति यानी सदर मुल्क बनाया जाएगा। और तीसरी और आखिरी शर्त थी संसद का स्पीकर हमेशा सिया मुसलमान होगा। अब इन शर्तों की वजह से लेबनान में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच 1948 में झड़पें शुरू हो गई जिनके चलते फिलिस्तीनी शरणार्थी लेबनान पहुँच गए। लेकिन इस वजह से सुन्नी मुसलमानों की आबादी बढ़ गई और सिया अल्पसंख्यक हो गए। उस वक्त सत्ता ईसाइयों के हाथ में थी तो सिया मुसलमानों को हाशिए पर खिसक जाने का डर परेशान करने लगा और इस तरह से गृह युद्ध की शुरुआत हुई। लेबनान में कई दशक तक जारी रही अंदरूनी जंग के दौरान साल 1978 और 1982 में इजरायली फौज ने फिलिस्तीन के गुरिल्ले लड़ाकों को खदेड़ने के लिए दक्षिणी लेबनान पर हमला बोल दिया और कई इलाकों को कब्जे में भी ले लिया। ये वही इलाके थे जिनका इस्तेमाल फिलिस्तीनी लड़ाके इसराइल के खिलाफ हमलों के लिए कर रहे थे। ऐसे हुई थी हिजबुल्ला की स्थापना। साल 1979 में ईरान में सरकार बदली और नई सरकार को मध्य पूर्व में दबदबा बढ़ाने के लिए यही वक्त सबसे सही लगा। ईरान ने लेबनान और इसराइल के बीच मौजूद तनातनी का भी फ़ायदा उठाना चाहा और सिया मुसलमानों पर असर डालना शुरू कर दिया। बस इसी माहौल में साल 1982 में हिजबुल्ला नाम से सिया संगठन बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अपनी इस्लामी क्रांति को बढ़ाने और लेबनान पर हमला करने वाली इजरायली फौज से लड़ने के लिए हिजबुल्ला बनाया था। तेहरान की सिया इस्लामवादी विचारधारा को साझा करते हुए हिजबुल्ला ने संगठन में लेबनान के सिया मुसलमानों को भी शामिल किया। फिर ईरान ने हिजबुल्ला को माली मदद यानी वित्तीय सहायता देना भी शुरू कर दिया और जल्द ही हिजबुल्ला ने खुद को प्रतिरोधी आंदोलन के तौर पर खड़ा कर लिया। दहशतगर्द गुट है हिजबुल्ला। अमेरिका यानी यूएसए समेत बहुत से मगरीबी मुल्कों यानी पश्चिमी देशों ने हिजबुल्ला को दहशतगर्द गुट यानी आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब समेत खाड़ी के सहयोगी अरब मुल्क भी ऐसा ही मानते हैं। यूरोपीय संघ ने हिजबुल्ला की सैन्य शाखा को आतंकवादी समूह कहा है लेकिन हिजबुल्ला की सियासी जमात को नहीं।